वो जो तुमने पूछा ना उसमें फिर से पढ़ो, वो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एपिसेंटर और फोकस में डिफरेंस है, उसको हमको थोड़ा सा लॉजिकली समझना चाहिए। पहली चीज ये कि ये जो है इस लाइन के नीचे, ये पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है, और ये जो लाइन है पृथ्वी की सतह है, ये सरफेस है, और ये इनसाइड दी अर्थ है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है और ये पृथ्वी की सतह है, ठीक। अब जो पृथ्वी के अंदर का पोर्शन है, इसके नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लेट्स मिलेंगी। प्लेट्स दो तरह की प्लेट्स होती हैं, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। जब आपस में टकराती हैं, ठीक, तो उसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक का वेव जनरेट होता है, वेव जनरेट होता है, ठीक है। तरंगे जनरेट होती हैं, और ये तरंगे यहां से जनरेट होती हैं, यहां से तरंगे जनरेट होंगी, इसलिए इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, या भूकंप मूल बोलते हैं इसको, जहां से भूकंप का उदय होता है, जहां से भूकंप का उदय होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये जो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो तरंगे जनरेट होती है ना, उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स, उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स, उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक या द्वितीयक आप बोल सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, जिसको पी और एस से डिनोट किया जाता है, पी एंड एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बॉडी वेव्स तो पहली हुई क्या, बॉडी वेव्स। अब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये है पी, पी वेव्स, ये जब सेकेंड है, सॉरी सेकेंडरी वेव है, फिर ये पी वेव्स है, ये सेकेंडरी वेव्स है। अब क्या होगा, जब ये प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी वेव ही जाकर के सतह से टकराती है, सबसे पहले प्राइमरी वेव ही सतह पे टकराती है। जब सतह पे ये प्राइमरी वेव टकराएगी तो क्या जनरेट होगा, सरफेस वेव जनरेट होगा। तो दूसरी तरह की जो वेव होती है, तरंग होती है, उसको बोलते हैं सरफेस, सॉरी थोड़ा फंबल कर रहा है, ये क्या जनरेट होती है, सरफेस वेव, या सतह की तरंगे, या सतह की तरंगे। ये दो तरह की होती है, एक एक होती एल, एक होती आर, एल फॉर लव वेव्स, ठीक है। सबसे खतरनाक ये होती है वैसे, और दूसरी होती है रिले वेव्स, RYLEIGH, रिले वेव्स। ये कब जनरेट होती है, सरफेस वेव, सतह की तरंगें तब जनरेट होती हैं जब बॉडी वेव्स उससे आके टकराती है, जब बॉडी वेव्स आके के टकराती है, जिसे सरफेस से टकराती है या एपिसेंटर पर टकराती है। इसलिए सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड होता है भूकंप, एपिसेंटर पे या अधिकेंद्र पे, अधिकेंद्र पे, इसीलिए जो है सबसे पहले यहां पे टकराता है। जितने भी भूकंप आते हैं अपने एशिया में, उसका मोस्टली अधिकेंद्र होता है कहां पे, नेपाल के अंदर। इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त भयानक भूकंप उसी के क्षेत्र में आता है, ठीक है, और सबसे पहले रिकॉर्ड भी में होता है। अपने यूपी आपके आसपास की एरिया में जो आता है, उसका अधिकेंद्र होता है दिल्ली, मोस्टली गुजरात होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली था, और इसकी ट्रिक है याद करने की, PSLR, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स, ये हो गई आपकी बॉडी वेव्स, फिर ये टकराएगी सरफेस से, कुछ क्या जनरेट होगी, सरफेस सरफेस जनरेट होगी, ये बॉडी वेव्स हो गई, और इधर LR जो है ये आपका सरफेस वेव्स हो गई, सरफेस वेव्स। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से हमने मोस्टली इंग्लिश में चीजें बताई है, लेकिन कोशिश करना समझ जाना, वरना हम फिर से बता देंगे।